सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पराग बुटीक को, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप आखिरी में ऑल का ऑप्शन अवश्य दबाइए। दोस्तों देखिए, आज हम आपके सामने एक ब्लाउज़ का वीडियो बनाने वाले हैं जिसे हम प्रिंस कट को कहेंगे। और प्रिंस कट का ये जो ब्लाउज़ का हम फ्रंट जोड़ेंगे, फ्रंट जोड़कर इसका तैयार करके बताएंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ब्लाउज़ को पूरा जॉइंट करने का होगा। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं यदि आप प्रिंस कट ब्लाउज़ को पूरा बनाना चाहेंगे तो। तो देखिए दोस्तों, प्रिंस कट ब्लाउज़ पूरा किस प्रकार से बनाते हैं आज इस वीडियो में हम बताना आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अभी मैं पहले इसके जोड़ूंगा फ्रंट, और फ्रंट किस प्रकार से जोड़ते हैं मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरफ सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ, और इसको ओके करेंगे। इस तरह हम दोनों कपड़ों को ओके कर लेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब इसका जो दूसरा पल्ला रहेगा उसे हम क्या करेंगे, अस्तर को ऐसे रख लेंगे, और ऐसे रखने के बाद में इसे भी इस पर रखकर जोड़ लेंगे। इसलिए ऐसे रखना ज़रूरी है कि हमारे दोनों पल्ले एक साइड के ना बन जाए, दोनों आमने सामने के बने। तो मैं इसे भी सिलाई लगा लेता हूँ। यह देख लीजिए, हमने दोनों पल्लों को जॉइंट कर लिया है। ऐसे सिलाई को तोड़ लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से पल्लों को सीधा कर लेंगे। अब एक पल्ले को मैं हटा देता हूँ। यह देखिए, ये जो मेरा ब्लाउज़ का साइड का भाग है, हमने इस प्रिंस कट को बनाया हुआ है। तो देखिए, इस प्रिंस कट की कटिंग मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पेपर फर्मा कटिंग किस प्रकार से की जाती है, और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आई बटन को आप क्लिक कर कर इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा है इसे नीचे रखेंगे, और इस कपड़े को यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए ये मैंने रखा और इसे जॉइंट कर दिया। अब क्या देखना है आपको कि इस कपड़े को बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए सिलाई मारना है, ना कि आड़ी टेढ़ी। आड़ी टेढ़ी मारने से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो देखिए मैं रखता हूँ आपके सामने, ये देखिए ये मैंने रखा और यहाँ पर सिलाई मार दी। ये देखिए, अब मैं इसकी गोलाई में घुमा रहा हूँ। ये इसी प्रकार से आप जब भी प्रिंस कट की गोलाई में जॉइंट मारेंगे तो बहुत धीरे सिलाई लगाएंगे। जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ एकदम धीरे धीरे, और जैसे ही हमारे प्रिंस कट का जॉइंट हो जाता है इसे यहाँ पर खींच लीजिएगा, थोड़ा बड़ा छोटा हो तो। और यह देखिए ये जॉइंट हो गया। अब देखिए ये जो मैंने साइड का जो भाग लगाया था साड़ी वाला, वो इस तरह से लगाया था साड़ी की तरफ से। अब हम इस पर अस्तर वाले भाग को जॉइंट करेंगे। तो अस्तर वाले भाग को कैसे जॉइंट करेंगे, यह देखिए इस तरह से ऊपर से रख लीजिए, और इसे भी उसी तरह से सिलाई मार दीजिए आराम से जैसे हमने पहली वाली सिलाई लगाई थी। इस तरह से आराम से सिलाई चलाइएगा इस जगह पर, इसमें कोई जल्दी मत करिएगा क्योंकि जल्दी करने से ये हमारा कपड़ा बिगाड़ देगा। आपको इतनी सिलाई बड़ी ही आराम से लगाना है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके बाद आप जहाँ पर सीधा आए वहाँ पर चलाइए तेज सिलाई। ये देखिए, और इसे आप नाखून लगा लीजिए, और इस तरफ भी नाखून लगा लीजिए। अब ये देखिए, ये हमारी प्रिंस कट फ्रंट पूरा तैयार हो गया है। अब आप देखिए, या तो आप इस पर एक किनार की सिलाई लगा लीजिए, और नई सिलाई लगाते हैं तो ये ऐसे भी चल जाता है, कोई आवश्यकता नहीं किनार की सिलाई मारने के लिए। लेकिन हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर
इस पर किनार की सिलाई हम लगाना हमारे पास अनिवार्य है, इसलिए हम इस पर किनार की सिलाई लगा के बता देते हैं। ये देखिए, जब हम इस पर किनार की सिलाई लगाएंगे तो ये जो कटोरी वाला हिस्सा है, जो उठाव वाला, इसको नीचे कर लीजिएगा और इस तरह से कपड़े को खींचकर सिलाई लगाइएगा। ये देखिए, ये मैंने इस पर खींचकर सिलाई लगाई है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगेगी। अब इस भाग को उठा लीजिए और जो ये नीचे एक्स्ट्रा निकल रहा है इसे आप छटिंग कर लीजिए। ये अब ये देखिए, हमारा एक फ्रंट तैयार हो गया है। अब हम दूसरा फ्रंट तैयार कर लेते हैं। इस पर भी हम साड़ी का कपड़ा ऊपर से रखेंगे, ये देखिए। और ब्लाउज़ को कभी भी जॉइंट लगाए तो हमेशा ऊपर की तरफ से लगाएं। इस भाग को नीचे रख लेंगे इस प्रकार से, और इस पर इसे रखकर सिलाई चला दीजिए जैसे हमने उस तरफ सिलाई चलाई है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो दो सिलाई लग जाएगी तो ये मजबूत हो जाएगा, यह देखिए। अब ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसे भी आप इसी तरह से नाखून लगा लीजिए पहले, और ऊपर की तरफ भी आप नाखून लगा लीजिए। ये देखिए, ये हमने तैयार कर लिया है दूसरी तरफ का भी फ्रंट। ये देखिए, अब ये फ्रंट हमारे दोनों तरफ के तैयार हो गए हैं। और अब इस पर हम हुकाई पट्टी लगाना बताएंगे आपको कि हुकाई पट्टी किस प्रकार से हम लगाते हैं, और आप भी सीख जाइए कि हुकाई पट्टी किस प्रकार से लगाई जाती है। मैंने जो पिछला वीडियो कटोरी का बनाया था फ्रंट, उस पर भी हुकाई पट्टी बनाना सिखाया है और इस पर भी सिखा रहा हूँ। तो आप इन दोनों वीडियो को देखकर हुकाई पट्टी बनाना सीख सकते हैं, और लिंक आपको पता है कि मैं आई बटन में उसकी भी डाल दूँगा। ये देखिए, इस तरह से कपड़ा काट लीजिए। ये देखिए, यहाँ से ये हमने मिला लिया। अब ये जो कपड़ा है हमारा, ये जो हाई पट्टी का कपड़ा रहेगा ये 3.25 इंच का रहेगा, लगभग 3 कर लेते हम, तो 3 के बराबर इसे छटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए, 2.5 से 3 के बीच इसे रख लीजिए, ये हाई वाली पट्टी का है। और ये जो कपड़ा है 2 इंच करीब में है, इसे हम क्या करेंगे, हुक की पट्टी बनाएंगे, तो इसे हम सिर्फ 2 इंच ही रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये हुक की पट्टी को हम पहले बनाते हैं। हुक की पट्टी को इस प्रकार से देखिए, लगभग 0.5 से 1.25 इंच करीब में मोड़ लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से, और ये जो हाई वाली पट्टी है हमारी, इसको हम इस प्रकार से यहाँ रख लेंगे। इस पर साड़ी का कपड़ा लगाना ज़रूरी है, हुक की पट्टी पर साड़ी का कपड़ा नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाई वाली पट्टी पर साड़ी का कपड़ा लगाना ज़रूरी है। ये देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस तरफ जो हमारा उल्टा हाथ है उस तरफ हुक की पट्टी लगाना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर हुक की पट्टी पहले बना के आपको बता देता हूँ। और इस पर एक किनार की सिलाई लगा लेंगे आप। ये देखिए, अब इसे इस तरफ मोड़ लेंगे और ऐसे रख लेंगे। ऐसे रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम बिल्कुल किनार से एक सिलाई मार देंगे। आप चाहो तो इस पर हेमिंग कर सकते हैं कच्चा सिलाई मारकर,
लेकिन हम इस पर पक्की सिलाई मारेंगे, ये देखिए। और इस पर हम एक नहीं तीन सिलाई मारेंगे, क्योंकि हम इस ब्लाउज़ को पूरा बुटीक स्टाइल में बनाने वाले हैं। कमर पर भी तीन सिलाई रहेगी, गले पर भी तीन सिलाई, सभी तरफ इसकी तीन सिलाई रहेगी। तो ये तीन सिलाई वाला ब्लाउज़ है, इसे आराम से देखिए। ये देखिए, ये फ्रंट पूरा तैयार हो गया है, ये हुक साइड का है। अब हम इस पर हाई की पट्टी बनाते हैं। ये रहा इस तरफ का भाग। अब हाई पट्टी के लिए क्या कीजिए, आप इस कपड़े को ब्लाउज़ के ऊपर रख दीजिए, जिस तरफ से हमारा ब्लाउज़ है रखा हुआ है सीधा। और यहाँ पर देखिए, एक दबाव की सिलाई लगभग आधा इंच ऐसी सीधी मार लीजिए पहले, यह देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली। अब क्या करेंगे, इस कपड़े पर आप नाखून लगा लीजिए ऐसे, और इसे डबल रख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। यह देखिए, अब ये हाई पट्टी हमारी देखिए इस तरफ से पूरी फिनिशिंग से, और कोई धागा नहीं दिख रहा है ना, तो हमें क्रॉस जो हमने जॉइंट करी है कटोरी, ये जो हमने जॉइंट करी है प्रिंस कट, इस पर भी कोई धागा नहीं है। तो आप इस प्रकार से अंडरग्राउंड बनाना सीख सकते हैं हमारे इस वीडियो को देखकर। तो मैं देखिए ये यहाँ पर रख लिया है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, यदि आप पतले कपड़े का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इस प्रकार से अंडरग्राउंड नहीं बन सकता ब्लाउज़। उस प्रकार के कपड़े पर आपको इंटरलॉक वाला ही बनाना पड़ेगा, तभी ये ब्लाउज़ सही दिखेगा। नहीं तो यहाँ पर क्या है, सिलाइयाँ दिखेगी जो कि कपड़े की रहेगी अंदर। तो नेट के ब्लाउज़ और जो पतले जॉर्जेट ब्लाउज़ होते हैं उन पर अंडरग्राउंड प्रिंस कट नहीं बनता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। नहीं तो आप मुझे कहेंगे कि आपने अंडरग्राउंड बताया था और ये गलत बन गया है। तो इस प्रकार की बातें मैं पहले ही बता देता हूँ, किस तरह से थोड़े से मोटे कपड़े रहते हैं उन्हीं पे ये अंडरग्राउंड बनता है। तो देखिए आगे मैं कमर पट्टी लगा देता हूँ आपको। और इसे यहाँ पर लगा देंगे यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक हेम्बर की सिलाई चलाकर किनार की सिलाई लगाएंगे, और फिर जैसे हमने हुक की पट्टी पर तीन सिलाई मारी थी उसी प्रकार से कमर पर भी हम तीन सिलाई लगाएंगे। यह देखिए, इस पर भी मैंने तीन सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे और फिर आपको बताते हैं कि पाइपिंग इस पर किस प्रकार से लगाएंगे हम। मैं जहां तक समझता हूं कि आपको प्रिंस कट की अंडरग्राउंड करना आ गई होगी, और प्रिंस कट की कमर पट्टी और प्रिंस कट में हुक हाई पट्टी किस प्रकार से लगाते हैं ये आपको आसानी से आ चुका होगा। और यदि आया नहीं होगा तो दोस्तों मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप कमेंट्स कर दीजिए, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाने का प्रयास करूँगा। रेब में काटा है, 1.25 से 1.5 इंच कपड़ा काटा हुआ है, और ये हमने उरेब में काटा है। तो उरेब कपड़े पर ही आप पाइपिंग बनाएंगे कभी भी। तो मैं देखिए अभी इन्हें डायरेक्ट लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे आगे आगे के गले हैं तो वो छोटे हैं। तो एक टुकड़ा इस तरफ रख लेते हैं और एक को हम देखिए यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। पाइपिंग बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इस प्रकार से कपड़े को लीजिए और
ये कपड़े को यहाँ रख लीजिए, आधा इंच से एक पॉइंट कम का दबाव एक जैसा दीजिए यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए इस प्रकार से। और क्या करेंगे आप इसके बाद में, ये जो कपड़ा है पाइपिंग का, इसे देखिए इस तरह से नखून लगा लीजिए बराबर यहाँ तक। और इस कपड़े को, ये जो सिलाई दिख रही है हमारी, सिलाई का जो दबाव था, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर लाकर रख लीजिए। ऊपर रखने के बाद बीच सेंटर से एक सिलाई चला दीजिए, इधर सिलाई नहीं चलाएंगे एक तरफ, बीच सेंटर पर चलाएंगे आप सिलाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से, ये रखा मैंने और बीच सेंटर पर देखिए मैं अब इस प्रकार से मोड़ कर सिलाई चला रहा हूँ। ये देखिए अब क्या होगा कि हमने बीच सेंटर पर सिलाई चला ली है, अब ये जो बचा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये मैंने कटिंग कर दी इसकी, ये देखिए अब बीच सेंटर से हमने सिलाई चला दी है, तो ये जो कपड़ा है एकदम किनार तरफ नहीं रहेगा। और देखिए किस फिनिशिंग से ये कपड़ा मुड़ जाता है हमारा, ये देख लीजिए आप एक जैसा। देखिए जितना हमने दबाव दिया है अंदर कपड़े का, उतना ही कपड़ा हमने मोड़ दिया, तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी पट्टी बन गई है। अब क्या करेंगे हम, इस कपड़े को थोड़ा कम कर लीजिए, जैसे आधा इंच है तो पाव इंच। अब इसे यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए और ऊपर से भी, और ये जो हमें जितनी पाइपिंग चाहिए, जैसे हमें इतनी पाइपिंग चाहिए तो इतनी पाइपिंग के वहाँ से आप ऐसे मोड़ लीजिए, ये देखिए, और आगे भी ऐसे मोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे और डायरेक्ट आगे ले आएंगे। ये टाँकी बांध दी हमने, टाँकी बांधना ज़रूरी है नहीं तो हमारी सिलाई खुल जाएगी। अब क्या कीजिए, इस प्रकार से कपड़े को यहाँ मोड़े हमने, देख लीजिए ये मोड़ा मैंने, इसी प्रकार से सिलाई आगे चला दीजिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ, कई लोगों को जो कई कई साल से ब्लाउज़ बना रहे हैं उन्हें भी ये पाइपिंग सही तरीके से नहीं आती है, तो आप इस तरह की पाइपिंग मेरे पास पूरे परफेक्ट तरीके से सीख सकते हैं। देखिए ये मैंने फिर से मोड़ा इसे यहाँ पर और इसे सिलाई चला दी। अब फिर देखिए यहाँ से इस प्रकार से मोड़ लिया है और इसे फिर सिलाई चला दी। ये देखिए आप इसी प्रकार से पूरी पाइपिंग बना लीजिए। ये हमारी पाइपिंग पूरी तैयार हो गई है। अब आप देखिए कि इस पाइपिंग को ये किस प्रकार से सुंदर, और ख़ास ये बात इसकी है, यह पाइपिंग की ख़ास बात है कि आप यहाँ से वहाँ तक देखिए ये एक जैसी है, और इस तरफ देखिए आप कहीं पर भी ज़्यादा कपड़ा भी नहीं बचा है हमारा, और ना हमारे कोई धागे आगे बाहर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पाइपिंग और हुक हाई की पट्टी और ब्लाउज़ को अंडरग्राउंड किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो में मैंने बताया है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। ये देखिए पूरा अंडरग्राउंड, ये पाइपिंग, ये हुक हाई की पट्टी, ये देख लीजिए अब ये मेरी पाइपिंग कंप्लीट हुई, और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। दोस्तों यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।